सभी के सामने रितेश मोबाइल वर्सेस वी आर ज्वेलर्स पहली गेंद। पहली ही गेंद वाइड का इशारा। शुरू हो चुके हैं आशीष जी कोचर जी, आप थक जाएंगे लेकिन इनका बल्ला चलते रहेगा। शानदार 6 रन उत्सव सारी। प्लेयर को भी कि हैट्रिक सक्सेस में आज संजू मोबाइल की ओर से है एक नेक बैंड और किया एक अच्छी गेंद का सम्मान। भैया श्री सौरभ कांकरिया जी हमारे बीच में आए हैं, उनसे अनुरोध है कि आप सीधा आइए स्टेज पर ले अपना स्थान। हमारे ट्रैवल पार्टनर तुलसी टूर से सौरभ जी कांकरिया आइए प्लीज। मिलेंगे के 1 रन। वाइड का इशारा। बॉल बल्ले से लगे या ना लगे, दर्शक तो पहले ही कह देते हैं लो आगे एक और छक्का। शानदार 6 रन उत्सव सारीस। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन हो चुके हैं 23, 0 विकेट। फोर्थ मैच वी आर ज्वेलर्स वर्सेस रितेश मोबाइल। दर्शकों को बताएंगे कि रितेश मोबाइल ने टॉस जीतकर ऑप्ट किया टू फील्ड फर्स्ट फॉर द टीम। अगली गेंद
एक रन लिया और स्कोर हुआ 24। एक रन लेकर स्कोर को पहुंचाया 25। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, रन मिलेंगे उत्सव 4.5 रन। तो स्कोर बोर्ड हुआ ये कारवा वीआर ज्वेलर्स का। तो यहाँ अब रन गति को लगाने ब्रेक लेना होगा आपको हर हाल विकेट, और अगर जीतना है मैच को तो फंसाना होगा आशीष कोचर जी को। ये भगवा टी शर्ट में खेल रही टीम रितेश मोबाइल, अगली गेंद लेकर आ रहे रितेश, सामने है पारक जी। डॉट बॉल, जी हाँ, अच्छी कशमकश जारी है जो देखने हम सभी आते हैं रोमांचक मैचेस, लास्ट गेंदों तक जाने वाले मैचेस, वैसा ही सब कुछ मिलता हुआ जो दर्शक चाहते हैं वो सब कुछ होता हुआ। बल्ला घुमा पर गेंद और बल्ले दोनों बहुत दूर, डॉट बॉल लिखिए स्कोरर हुजूर। बोर्ड पर अब 29 सिर्फ कहना पड़ेगा क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष कोचर जी, तो जब मिलेंगे उन्हें स्ट्राइक तो मुझे और स्कोरर साहब को मिलेगा रोजगार बहुत तेज। हर बार हर गेंद पर बड़े शॉट्स लगाने की स्पेशल एबिलिटी लेकर आते हैं वे। देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग, हर मैच होता है जहां सुपर, अगला वाला उससे भी ऊपर, वैसा ही ये मैच होने वाला है। ये मैच भी बस इंतजार जिस चीज का था वो इंडिविजुअल मैच आ गया है। सुनील जैन जी बॉलिंग के प्रभार को संभाल रहे हैं, सामने आशीष कोचर। तो अब गिनने को तैयार हो जाइए आप, बड़े शॉट्स लगातार देखने मिलने वाले। पीछे फील्डर तैनात है मिड विकेट पर, बाउंड्री पर, ऐसे ही स्ट्रोक्स को रोकने के लिए। एक रन मिल पाएगा, अब 29 पर एक रन जुड़कर हो गया 30। ऐसा चल रहा है ये चीटी की रफ्तार से स्कोर, जल्दी चलता है नहीं अगर आशीष जी बल्लेबाजी कर रहे हो। सतीश भैया सामना करेंगे अब सुनील जैन जी की अगली गेंद का। कैच को संपन्न करेंगे नीलेश लोढ़ा जी, बिल्कुल दौड़कर आकर उन्होंने इस अच्छे कैच को लिया, सेफ हैंड्स बाय नीलेश लोढ़ा जी। टल पहले विकेट का पतन 30 रनों पर, वीआर ज्वेलर्स के पहले विकेट का पतन हो चुका है और आउट होकर अब पारक जी पहुंच रहे हैं वारी डगआउट पर। अगले बल्लेबाज जो आ गए हैं हनी पिंचा जी, शुभम पिंचा जी, हाँ नहीं उनकी टी शर्ट में भी हनी लिखा हुआ है, जाने जाते हैं दोनों ही। अब जो प्लेयर है वो बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अब अगली गेंद सुनील जैन जी की, सामना करेंगे पिंचा जी। पीछे रिंकेश तैनात है कवर्स पर ऐसे स्ट्रोक्स को रोकने के लिए। तो एक रन ही आ पाएगा, स्कोरबोर्ड चल रहा है एक और एक पर, कभी भी आ सकते हैं बड़े शॉट।
पटकी गेंद और गेंद गई है सीधा सीमा रेखा के बाहर। उत्सव साढ़ी छह रन। जी हाँ, अब रन गिनते रहिए, आते रहेंगे अब रनों की बौछार। अब होगा हर खराब गेंद पर कड़ा प्रहार। थर्टी सेवन अगली गेंद। जी हाँ, लिखे हुए हैं इसमें लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से जाइए और गेंद लेकर आइए, रन तो मिलेंगे छह। उत्सव साढ़ी छह रन। तो अब 40 पार 43 पर पहुंचता हुआ स्कोर। तेज गति से रन आएंगे, अब बहुत तेज रन आएंगे, रोकना संभव जब तक। स्कोर बहुत तेज चलता हुआ ये मैच। अब यहाँ से गेंदबाजी का प्रभार संभालेंगे नीलेश लोढ़ा जी, जाने जाते हैं कसी भी गेंदबाजी करने के लिए सामने। हनी पिंजा जी जाने, आप ये समझ लीजिए ये जो दो ओवर है, अगर यहाँ पर विकेट नहीं आया तो मैच चला जाएगा बहुत दूर। 12 या 15 गेंदों पर तो कोचर जी बहुत दूर कर देते हैं मैच को, ये उनकी खासियत है। देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग, लेकर आए आप तक आशीष सनेक्स पावर्ड बाय वारी को, स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। अगली गेंद पहली गेंद इस ओवर की। स्लोवर गेंद थी, पिक जरूर किया उसे पर पीछे फील्डर तैनात है, सजग बिल्कुल। लॉन्ग ऑफ पे खड़े थे, डीप एक्स्ट्रा कवर पर आकर गेंद को रोका। अब ऑन अ स्ट्राइक आशीष कोचर जी, सामना करेंगे नीलेश जी की अगली गेंद का। फील्डिंग में अब कुछ बदलाव। बॉल अर्जित करेंगे। देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग, लेकर आए आप तक आशीष सनेक्स पावर्ड बाय वारी को, स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज। अगली गेंद निश्चित रूप से ये वाइट बॉल है, एक एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा और एक एक्स्ट्रा गेंद करनी होगी नीलेश लोढ़ा जी को। 45 पहुंच चुका है स्कोर 3.1 ओवर पर अब तक, एक विकेट के नुकसान पर वी आर ज्वेलर्स। हमारे बीच में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान जलाराम से भैया श्री राम जी आ गए, वाकई राम जी आ गए। एक रन मिलता हुआ चिट्ठी की रफ्तार से स्कोर अब चल रहा है। दो बड़े शॉट तो आ गए थे पिछले ओवर में, इस ओवर में अब तक कसी भी गेंदबाजी, चार गेंद हो गई है। 46 अगली गेंद नीलेश लोढ़ा जी की। कसी भी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वैसा ही कुछ करने की आवश्यकता है अब भी। सामने है हनी पिंचा जी, पीछे फील्डर तैनात है तो सिर्फ एक रन की ही ये बात है। 47 अब भी नीलेश जी के ओवर की एक गेंद शेष है। देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग, हर मैच है यहाँ सुपर, अगला वाला उससे भी ऊपर। एक रन के लिए खेला हुआ ये पॉइंट पर खेला गया स्ट्रोक, जब तक होगा फील्ड एक रन मिल जाएगा। ओवर नंबर 4 होता है समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड पर लग गए 48 वी आर ज्वेलर्स, एक विकेट गिरा है उनका। डीजे वाले बाबू बजा सकता है कुछ।
नाम में जिनके नाम है राम और जिनकी शॉप में भी नाम है राम, ऐसे जलाराम के ओनर राम जी हमारे बीच आ गए हैं। आपसे अनुरोध भी है, स्टेज पर लेंगे स्थान आप। दर्शक बन गए फील्डर, फील्डर बनने लगे दर्शक। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और रन मिले 6। आशीष कोचर नाम ही काफी है, उस सब 6.5 रन जोड़ लीजिए आप। आमंत्रण से श्रेयांश टाटिया जी से अनुरोध, भैया आप स्टेज पर स्थान लेंगे प्लीज। आशीष जैन जी अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तो अगर आपके पास लाइन लेंथ नहीं है तो हर गेंद पर मैक्सिमम 6 रन पड़ता है। तो ये था लॉन्ग ऑन के ऊपर उत्सव 6.5 रन। बस आप गिनते रहिए, इत्मीनान से गिनते रहिए, रनों की बौछार होंगी और वही कहानी हर बार होंगी। आशीष कोचर जी बोर्ड पर 60 पूरे 60, 1 विकेट के नुकसान। तीन गेंदों पर 3 बड़े स्ट्रोक्स आ गए तो संजू मोबाइल का नेक बैंड आशीष भैया पा गए। हाँ, 50 भी हो गए इनके 53 के निजी स्कोर पर। अब आशीष जैन जी जी हाँ, 4 गेंदों पर 4 बड़े शॉट्स और 6.5 रन। तो अब क्या अगली 2 बची हुई गेंदों पर 2 बड़े शॉट मिलेंगे, हम सब जो देख रहे तरसते। गेंद गई है बहुत दूर, नो बॉल पे है, ये है सबसे बड़ा कसूर। तो अब 7 गेंदे गिनना होगा स्कोरर हुजूर। 4.479 और निकल चुका है, ये चढ़ चुका है सब तरफ आशीष कोचर का सुरूर। देखते रहिए आप, एक ओवर में शायद 7 छक्के भी देखने मिल सकते हैं आपको, इत्मीनान रखिए। जी हाँ, कोई भी गेंदबाज होना नहीं चाहेगा ऐसे स्टेज में। वाइट बॉल, जी हाँ ये था उत्सव 6.5 रन। तो अब बस 1 गेंद की बात है इस ओवर में, 6 छक्के तो आ चुके हैं तो 2 नेक बैंड आप पा चुके हैं, 2 नेक बैंड। तो एक भैया से कैसे करेंगे, मतलब एक अपन लेंगे क्या? ये सबसे महंगा ओवर हो सकता है क्या टूर्नामेंट का भैया? पहली बार हमारे टूर्नामेंट में 6 बॉलों में 6 छक्के पड़ चुके हैं। अब भी इस ओवर में 7वीं गेंद शेष है, ये क्या नो बॉल थी? टीम के लिए खेलते हैं, जी हाँ ये टीम के लिए खेलते हैं, निश्चित रूप से अपने लिए स्ट्राइक रखेंगे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बोर्ड पर लग गए 87। प्रेडिक्शंस लेने का मन बहुत है मेरा,
पर मैं जानता हूं कि जब तक आशीष कोचर जी खेल रहे हैं, वो जिस स्पीड से रन बनाते हैं उसे गणित में उतार पाना एक आम आकलनकर्ता के लिए संभव नहीं। पर सुशील जी गिड़िया जी हमारे बीच में हैं, वे बेहद मर्मज्ञ हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि आप करें कुछ प्रेडिक्शन। भैया महावीर जी 194 नोटेड। श्रद्धा उधर उधर भी प्रेडिक्शंस नोट डाउन करवा दीजिएगा, नहीं तो सब कहेंगे जी। रितेश भैया की ये गेंद जब तक डीप मिड विकेट पर फील्ड होती, रन लिया नहीं शायद आशीष जैन जी ने। जी हाँ, तो वो जो भैया चाह रहे हैं ना महावीर जी, वैसे ही कुछ हो सकता है। हवाई फायर, दर्शक बनने लगे फील्डर। अगर दर्शक एक कैच पकड़ लेते तो प्राप्त करते 100 रुपए का डिस्काउंटेड कूपन सैंडविच जंक्शन से, पर कोई पकड़ नहीं पाया। शानदार 6 रन और सब सारी के साथ सारी। तो अब तो रन गिनना बस एक महज औपचारिकता है, क्योंकि हर बड़े गेंद और हर बड़े रन के पीछे नाम है एक, आशीष कोचर। 93 पे 1 अब चल रहा है स्कोर। देख रहे हैं आप जैन सुपर लीग लेकर आए आप तक आशीष सनेक्स पावर्ड बाय वारी को, स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज, इवेंट पार्टनर अनंतिया रिजॉर्ट, इवेंट मैनेज बाय डी इवेंट्स। अगली गेंद ये कैच नहीं, मैच पकड़ लिया है नीलेश जैन जी ने। क्या देखने वाली बात, तो आउट होकर। और दर्शकों के साथ हम भी, वैसे होना नहीं चाहिए बट फिर भी हम भी मायूस है। एक अच्छा खिलाड़ी आउट होकर पहुंचता हुआ वारी डकआउट पर और रब 93 पे 2। जी हाँ, अब तो हमको प्रेडिक्शंस दो। जी हाँ, लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि आशी अब क्या है भैया प्रेडिक्शन महावीर भैया? 149। ठीक है, ओके, पलटी हो गया, नहीं बनता है भैया, बड़ा दुर्घटना हो गई। चैन सुपर लीग, जैसा सुपर थे खिलाड़ी वैसे ही सुपर और भी होंगे इनके टीम में मेंबरान। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रन आपको मिलने वाले हैं देखने, जो देखने आप आए हैं वो मिलेगा पक्का। एक रोमांचक मैच आ रहा है आपके लिए। जी हाँ, निश्चित रूप से ये है उत्सव साढ़ी 4 रन, प्रयास बहुत ही किया वहां पर सुनील जैन जी ने, पर तेज रफ्तार थी जरूर। तो 4 रन मिल जाएगा, स्कोरबोर्ड 97 संभवतः जब तक हो जाए अपडेट। देख रहे हैं आप जैन सुपर लीग पावर्ड बाय वारी। रितेश जी की अगली गेंद, पीछे फील्डर तैनात है विकेट पर, ऐसे ही शॉट्स को रोकने के लिए तो सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा। स्कोर बोर्ड अब चलता हुआ, यहां से फिर से खराब गेंदों का इंतजार करना होगा। बड़े खिलाड़ी हो गए आउट, तो ऐसे ही जिम्मेदारी पूर्वक बल्लेबाजी की आवश्यकता। टकआउट पार्टनर आरके पेंट्स के सामने अब एक नया प्लेयर। शानदार कवर ड्राइव प्राप्त करेंगे, आकर्षक कवर ड्राइव पर और सब सारी 4 रन।
शानदार, अद्भुत। जैसा हमने आपसे कहा, सारे खिलाड़ी शानदार हैं। कवर ड्राइव का लुफ्त उठाइए स्क्रीन पर, थोड़ा रूम, एक क्लासिकल कवर ड्राइव, रन मिले पूरे चार। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट। जी हाँ, और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में दर्शक हमारे बीच में, डीजे वाले बाबू, एक शानदार गाना इन सब के बीच में। बाद रन हो चुके हैं 102, दो विकेट के नुकसान के साथ रन हो गए 102। अरे कोई तो प्रेडिक्शंस दे दो, कोई तो। प्रथम भैया प्रेडिक्शन आपकी, प्रथम प्रेडिक्शन 150 भी आपके प्रेडिक्शन 150। हवाई फायर ओवर द लाइन, कमेंट चुनने सारीस भैया, प्रेडिक्शन आपकी 150 भी आपके प्रेडिक्शन 155। आएगा तो मोदी ही। हाँ वैसे भी चौबीस में राम जी आ रहे हैं। अरे भाई वो इटली वाले छोरे का भी ध्यान रख लो कोई। वाइड का इशारा, जी हाँ, किलोमीटर दूर थी ये लगभग। 110 पे दो अप। वीआर ज्वेलर्स का जो अश्वमेघ यज्ञ का जो रथ चल रहा था वो रोक दिया है। आशीष जैन जी के आउट होने से थोड़ा तो असर आया है। हवाई फायर, वन माउंटेन से द रोप्स, उत्सव साढ़े चार रन, लॉन्ग ऑफ की ओर, 114 का स्कोर। तो अब यहां से प्रेडिक्शंस चाहिए किस ओर, 6:30 हुए हैं, प्रेडिक्शंस बनते हैं। 150 तो बिल्कुल सामान्य सी बात, कुछ और बतलाए। गेंद घूमी है और निश्चित रूप से कौरव ने एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, दो रन बचाए। हाँ, हमारे बीच एक नन्हा सा बालक, उनका नाम और उनके प्रेडिक्शन। नव्य जैन 170 बन सकते हैं। वेरी गुड नव्य, क्लासिकल शॉट ओवर द मिडल, शानदार चार रन, उत्सव सारीस, क्लासिकल मिड ऑफ ड्राइव। बहुत ही प्यारी ड्राइव लगाया हनी बिंचा जी ने, पूरे बल्ले का फेस खींच कर पहुंचाया गेंद को, वन बाउंस इनटू द फेंस। तो जो देख रहे हैं आप, आए हैं आकर्षक स्ट्रोक प्ले, वैसा ही कुछ सजाकर हमने कर दिया है। कंटिन्यू एंड प्ले, देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग। अगली गेंद ये रही आपके सामने, स्लोअर बॉल थी जरूर, पीछे गेंद घूमी है इत्मीनान से जब तक फील्ड करेंगे अविनाश, ये ओवर भी हो जाएगा समाप्त। 120 पे था स्कोर, तो अब शगुन सा स्कोर 121 ओवर टू श्रद्धा। जाना ललवानी जी की प्रेडिक्शन क्या लगता है, कितने का टारगेट जाएगा? 165 इन्होंने क्या है, इससे तो प्लीज नोट की। अगली गेंद,
जी हाँ, एक विचार और विमर्श चलता हुआ वहाँ जैनेन्द्र जी और नीलेश जी पे। नीलेश जी पूरी काबिलियत रखते हैं यहाँ से इस मैच को विकेट निकालकर अपने कप्तान को देने का। ये गेंद दिशा से फटकी हुई, वाइड पे अटकी हुई, एक रन देना होगा इसका जुर्माना और अगली गेंद के लिए फिर होगा नीलेश जी को आना। शानदार चार रन, उत्सव सारिस। जी हाँ, शोएब अख्तर को जहां 2003 के वर्ल्ड कप में 6 रन अर्जित किया था सचिन जी ने, वहीं पर जी बोलना पड़ेगा भैया, गॉड है वो। अच्छी वापसी, जी हाँ कश्मकश है जारी, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने की शानदार तैयारी दिखता हुआ वो इस मैच पे। अगली गेंद नीलेश जी की, जी हाँ विकेट निकालकर दे दिया इन्होंने। जो प्रेडिक्शंस हो रही थी वो अब होती भी सही, 128 में 3 ही सही। 7.5 ओवर हो चुके हैं, अब भी 2.5 ओवर शेष है, 2.5 ओवर। तो क्या 170 जो भव्य जैन जी ने कहा है हो पाएगा, देखने वाली बात। भव्य जो भैया कह रहे थे संकेत जी ये होगा, तो भैया वो तो नहीं होगा, कोई नई प्रेडिक्शन जरूर हो तो आपसे आमंत्रित है भैया। अगले बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं अंशुल काकरिया। गेंद से गति में परिवर्तन इंटेलिजेंटली कर दिया, गेंद से गति निकल गई तो सिर्फ एक रन ही इसमें प्राप्त किया। 129 पर 3 अब चलता हुआ स्कोर। अगली गेंद के लिए आते हुए नीलेश जैन जी, आपको बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण बात, एक विकेट आ चुका है इसके ओवर में। स्लोअर बॉल, एक रन के लिए आदेशित निर्देशित, जब तक गौरव से फील्ड करेंगे डीप मिड विकेट पर एक रन ले लेंगे दोनों ही प्लेयर। 130 इज द स्कोर। तो अब यहां से थोड़ी रन गति में लग गया ब्रेक, जब मिलता है विकेट तभी लगता है ये ब्रेक। देख रहे हैं आप जेएसएल, अगली गेंद किया गेंद का सम्मान। 130 for 3 After the completion of 8.2 overs, तो अब यहां पर 12 गेंदों पर क्या 40 बनेगा भव्य? बन जाएगा अब भी, ठीक है। हमारे साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर आशीष एनएक्स की ओर से श्रेयांश जी जैन हैं, सर प्रेडिक्शन देकर जाएंगे स्टेज पर, सीधा आएंगे इसके बाद डायरेक्टली फ्रॉम दुबई। हाँ, स्कोर बनेगा 160। 160, लेट्स सी। वहां भाई को बता दे भैया, वहां तो लग जाता है बैटिंग। पारी का अगला ओवर लेकर आ गए भैया सुनील जैन जी, तो अब यहां से वे चाहेंगे हर हाल विकेट। हम देख रहे हैं अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। हवाई फायर, गेंद जा रही है रफेल की गति से मैदान के बाहर, उत्सव सारी 6 रनों के लिए। तो जो भव्य ने प्रेडिक्शंस दिए सिर्फ 20 रन चाहिए, 6 आ गया है। हमारे साथ है अज्जू जी, बे जानना चाहेंगे सर आपका प्रेडिक्शन। 155 से 160 के बीच। ओके, नोटेड। बढ़िया स्पेसिफिक भैया, नोट डाउन। चैन सुपर लीग लेकर आया अब तक आशीष एनएक्स, पावर्ड बाय वारी सावा इंफ्राटेक को स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज। अगली गेंद, जी आप वहां फील्डर तैनात है बिल्कुल, जब तक उसे रोका जाएगा एक रन प्राप्त कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर अंशुल, बड़े स्ट्रोक लगाने की कैपेबिलिटी पूरी रखते हैं अंशुल भी। पीछे तैनात है फील्डर, तो सिर्फ एक रन ही मिल पाएगा, वो भी दौड़कर पूरा करना होगा। बहुत तेज फील्डर, बहुत सजग फील्डर, सीधा थ्रो पहुंचा दिया सुनील जैन जी के हाथों में, तो सिर्फ एक रन आया इस गेंद पर।
देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग भैया, अगर कुछ उनको चाहिए हो तो देख लेंगे, फर्स्ट एड वगैरह। चैन सुपर लीग लेकर आए हैं आप तक आसी सेनेक्स वारी सावा इंफ्राटेक। एक सोलार का आपको स्टॉल दिख रहा, सुशील गड़िया जी भी उनका ले चुके प्रेडिक्शन हम, वो तो बॉस मर्मज्ञ व्यक्ति है वो आप सबसे थोड़े और ज्यादा। अंकित जी जी गिड़िया लोग के पीछे मत पड़े। नहीं भैया अगर आप मिलेंगे शानदार चार रन उत्सव साड़ी। अगर आपको चाहिए विकास की सीढ़ियां तो आपको हर बार पूछना होगा कोई ना कोई गिड़िया, इसलिए हम पूछते हैं भैया और विकास करते हैं हमारे नॉलेज का इनसे, ऐसा ज्ञान रखते हैं सभी गड़ियाल। एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 143। की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 144, जी हाँ 144, तीन विकेट के नुकसान के साथ। इधर हमारे साथ दर्शक हैं, जानना चाहेंगे कौन सी टीम सरल है नहीं ऐसे कहते हैं अंडर द लाइट्स पकड़ना, प्रयास के पूरे ही नंबर आपको। एक सौ पचास बोर्ड पर तीन गेंदे और शेष है। डॉट बॉल, दो गेंदे शेष वी आर ज्वेलर्स के इस इनिंग में, इसके बाद सीधा हम दूसरी इनिंग में बिना कोई ज्यादा वक्त गवाएं।
हवाई फायर गेंद जाकर टकराई इस वाइट स्कूटर पर। हवाई फायर गेंद ब्यूटीफुल शॉट के साथ खत्म की पहली इनिंग शानदार चेतन उत्सव 16।
बल्लेबाज है अभिनम जैन, जैनेन्द्र पारक। मैं आज पहली गेंद से दर्शकों के साथ कमेंट्री उनकी। देखिए हमारे बीच में यश ललवानी जी है 162, इन्हें ही कहा था क्या? हाँ मैं पकड़ लिया इनको। भैया आज दोनों प्रेडिक्शन सही, आप कौन जीतेगा ये बता दो। वी आर ठीक है, धन्यवाद यार। वन बाउंस इनटू द रोप्स, जैनेन्द्र जी के बल्ले से ताकत भरे स्ट्रोक आते हुए लगातार रन गिनेंगे पूरे चार, उत्सव साढ़े चार। हमारे बीच में दीदी है, दीदी का नाम और प्रेडिक्शन कौन जीतेगा? नो आइडिया, जस्ट गेट एन आइडिया वेरी सून, वी विल गेट बैक टू यू। मिलेंगे फिर से शानदार चार रन उत्सव हमारे। आपका न्यू दर्शक गगन में गया ये गेंद और शानदार विकेट। तो भैया आप तो प्रेडिक्शन लेना आपका। कौन सी टीम जीत रही है आपके हिसाब से? अभी विकेट गिरने के हिसाब से ऐसा लग रहा है वीआर ज्वेलर्स जीत जाएगी। धन्यवाद भैया आपका, फिर से स्वागत, दिल से स्वागत। हमारे बीच में बड़े भैया हर्ष लुनिया जी भी हैं, उनके प्रेडिक्शंस कर लेते हैं लॉक। जब तक सुनील और नीलेश हैं तब तक ये मैच इक्वल है। वाह बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन भैया, धन्यवाद आपका। भैया सुरेश भी आइए भैया इधर लॉक कराइए। ये भैया जो प्रेडिक्शन नहीं देगा ना उसके ऊपर कुछ जुर्माना होना चाहिए, ईडी की रेट करवा दे, बताओ आप। ईडी की रेट से तो डरो यार। अंकित जी रन बताएंगे दो ओवर के बाद? हाँ जी रन दो ओवर के बाद, एक ओवर ही हुआ है जी, एक ओवर के बाद एक विकेट के गिरने पर सिर्फ 8 रन। हाथ टूटा हुआ है भैया आपका, फिर भी आप देखने आए हैं, बहुत स्वागत आपका। नाम और आपका प्रेडिक्शन? देव जैन 100 में 8 विकेट।
हवाई फायर। ये है उत्सव साड़ी छह। सुनील जैन तीन बड़े स्ट्रोक्स आ चुके, तो आज क्या श्रद्धा हमारे पास हैट्रिक में, बताइए। हैट्रिक सक्सेस पर है नेक बैंड। अरे वो आशीष भैया को दो दो देने हैं और एक इन्हें। जी हाँ, अंशुल जी के सपोर्टर, बहुत ही क्यूट भतीजा जी। आपका नाम? क्रियांश। व्हाइट बॉल निश्चित रूप से। भैया आपका नाम और आपका प्रेडिक्शन? प्रखर कांकरिया, विया ज्वेलर्स जीत रही है। धन्यवाद भैया आपका। प्रखर जी रोज आते हैं आप? नहीं नहीं, पहला दिन है। बहुत नए दर्शक आए आज गुरुवार के कारण। केन जा रही है गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर, उत्सव साढ़े चार रन। तो अब श्रेयस भैया इधर भी आ जाइए और प्रेडिक्शंस नोट इधर आइए। कैमरे में दिख रहे हैं आप, और नहीं आएंगे तो भैया डाल देना मोए मोए के साथ प्रेडिक्शन भैया, कौन सी टीम जीत रही है, बस इतना ही तो मान। मोबाइल आरएम धन्यवाद। नहीं थी ना भैया प्रेडिक्शन। मैच चल रहा है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों सिर्फ आप हमें दे दीजिए इन्वॉल्वमेंट, आपकी इन्वॉल्वमेंट, बस यही दाम आपको मिल रहा है। रोमांचक मैचेस बहुत ही कम दामों में। दो ओवर के समाप्ति के बाद बोर्ड पर 25 विकेट गिरा है एक, और अब रितेश मोबाइल को जीतने के लिए कितने रन कितनी गेंद में बनाने हैं, ये स्कोर हर्षिल से पूछकर श्रद्धा आपको बताने हैं। जी एक रन ही मिल पाएगा, 26 पे स्कोर पहुंचता हुआ। देख रहे हैं आप जैन सुपर लीग लेकर आए आप तक आशीष एनएक्स पावर्ड बाय वारी, को स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज, इवेंट पार्टनर अनंत्या रिजॉर्ट, ये सब कुछ हमारे लिए मैनेज करते हैं एडी इवेंट्स, आर्ट ऑफ डेकोर, बाउंड्री पार्टनर उत्सव साड़ी। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई टॉट पॉल, अगला
अगली गेंद जेएसएल की, ये रही आपके सामने। जी हाँ, पॉइंट की तरफ खेलना चाह रहे थे पर गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट बॉल लगातार आती हुई, डॉट बॉल का अर्थ समझते हैं हम सब। चैन सुपर लीग लेकर आया आप तक आशीष एनएक्स, पावर्ड बाय वारी, को स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज। अगली गेंद फील्डर मिड विकेट पर तैनात है ऐसे स्ट्रोक्स को रोकने के लिए, एक रन मिल जाएगा। आदत बिल्कुल चींटी की रफ्तार से चलता हुआ यह स्कोर बोर्ड, चाहिए इसे रफ्तारे तेजस। एंड बाउंड्री, मिलेंगे शानदार चार रन, उत्सव सारी। अगला ओवर लेकर आ रहे हैं पीयूष बोहरा। पहली ही गेंद में गई गेंद बाउंड्री के बाहर, मिलेंगे शानदार छह रन, उत्सव सारी। बैक पंच इसके खिलाड़ी है सुनील जैन, इसका या कारण के ऊपर। ये आदर्श क्रिकेट खिलाड़ी है सुनील जैन, देख रहे हैं आप जैन सुपर लीग, हर खिलाड़ी है यहाँ सुपर, हर मैच है यहाँ सुपर, और अगला वाला उससे भी ऊपर। केवल एक रन, एक रन।
डॉट बॉल। हवाई फायर, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, उत्सव साड़ी 6 रन के लिए। हाँ भाई, कोई पकड़ा क्या? कैच पकड़ा है जी। हाँ भैया, डिस्काउंट कूपन है गांधी जी, पहुंचा देंगे जी। हाँ, और अभिनव का बस यही कहना इस शॉट के बाद कि अभी अभी तो मैंने शुरू किया, देखो आगे होता है क्या। स्कोर से मेरी एक इल्तजा है, इसका फोन बढ़ा दीजिए भैया, इसको आपके जो चल रहा है ना, प्लीज थोड़ा सा, थोड़ी देर बस, 2 ओवर चला दीजिए, फिर नीड वाला चला देना। 4 ओवर के बाद 47/1 मैच अब भी वीआर ज्वेलर्स के पकड़ में। ये मैच है, सुनील जैन का कैच है। बलशाली बल्लेबाज जाते हुए डगआउट की ओर। क्या नाम भैया, आपने कैच पकड़ा था, क्या नाम आपका? सतीश यादव। सतीश यादव जी, आप आकर सैंडविच जंक्शन, जी हाँ, जो सोचते हैं जनता की भी, उन्होंने दिया है एक शानदार कूपन पूरे 100 रुपए का। दिलदार है हमारे नीरज कोटड़िया जी, भैया वेव आप बैठे हैं जनता के बीच में, पर आदमी बहुत बड़े हैं जनता के बीच में भी आप। के जा रही है तेज गति से सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये है उत्सव साड़ी 6 रन। साढ़े 4 ओवर के बाद पीछे ऋषभ जी बिल्कुल तैयार थे रोकने के लिए डॉट बॉल। गेंद जा रही है जी हाँ, द फैंस सोनास तिलोकचंद ज्वेलर्स के स्टैंड्स पर, उत्सव साड़ी 6 रनों के लिए। तो अब बोर्ड पर 59, एक गेंद अभी शेष। जी हाँ, आशीष जैन जी ने लपक लिया है जीत को। शानदार कैच,
हमारे बीच में होटल राज इंपीरियल के ओनर भैया गुरजोत जी है। आपसे अनुरोध भी है, यहाँ आपके प्रेडिक्शंस और इस हमारे टूर्नामेंट के बारे में आपके विचार। सबसे दो अच्छी शानदार चीजें क्या लग रही है हमारे इस टूर्नामेंट में जो आपको राज इंपीरियल से यहाँ बुला गए? प्रेडिक्शन भी बोल दिया भैया, प्रेडिक्शन और दो अच्छी चीजें जो हमारे इस टूर्नामेंट के बारे में। अगली आवाज आपकी। तीन फील्डरों के बीच में गेंद और बहुत ही अच्छा कैच छूटा। बॉलिंग टीम विंस होगी। अच्छा अच्छा क्या लगा भैया हमारे टूर्नामेंट में? कुछ तो भी तभी तो आप आए। भैया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और भी सारी मतलब हर चीज फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। धन्यवाद दिया। हवाई फायर मधुर संगीत बल्ले और गेंद के बीच से आता हुआ 100% ये होगा उसका 6.5 रन। पलट भी सकता है अगर लगातार ऐसे शॉट्स आते रहे तो कुछ भी। नहीं अगली गेंद हवा में फील्डर नीचे उसके फील्डर पकड़ लेंगे कैच। बनता हुआ ये मैच अब वीआर ज्वेलर्स के लिए। थोड़ा सा एक तरफा सा होता हुआ ये मैच, अगर इसमें कुछ चांद फूकनी है जो जादू आपके बल्ले में है वो जादू दिखाने का समय आ चुका है। चैन सुपर लीग चलता हुआ दिन नंबर 4 मैच नंबर 4 अंजाम की ओर कुछ गेंदे ही शेष। एक सॉन्ग बनता है विशेष बजा दिया बिल्कुल 2 सेकंड। गति में परिवर्तन, अंशुल जानते हैं अपनी सारी स्ट्रेंथ पहचानते हैं, यूज करते हैं उस एक्सपीरियंस को। आवश्यकता आती है अच्छी गेंदबाजी करने की, वैसा ही करते हुए रोक के रखा है अब तक रितेश जैन जी को। अगली गेंद अंकुर की अंशुल की, ये रही आपके सामने, फिर से चखाया और फिर से डॉट बॉल का रिवॉर्ड पाया। 66 पर छठा ओवर समाप्त होता हुआ, 4 को हटा दे तो सब कुछ 6 पे, 6.2 ऐसा चलता हुआ अब तक। अब 24 गेंदों पर जीतने के लिए असंभव से 97 रन बनाने। मैं असंभव शब्द कहने के लिए मजबूर हो गया हूँ, चाहता नहीं हूँ पर ये दिख रहा है। हम चाहते हैं कि हमें क्रंची मैचेस पिछले वाले मैचेस जैसे दिखने मिले। हाँ 24 पे 97 बस, इसलिए स्कोर बता नहीं रहा था। ये ओवर चाहिए बड़ा, बड़ा मतलब कम से कम 20 तभी बन सकती है बात। पर आ रहे पीयूष, कैच के लिए गए जरूर पीयूष पर हो नहीं पाया आपकी बार। तो अब इस मैच में अगर आपको भरना है रंग तो जमाना होगा अपने बल्लेबाजी में नौरंगी अंदाज दिखलाने होंगे, बड़े स्ट्रोक्स प्ले करना होगा, कप्तानी पारी खेलनी होंगे रितेश जैन जी को। सामने है पीयूष, बहुत ही शानदार गेंदबाज है। चैन सुपर लीग लेकर आया आप तक आशीष सेनेक्स पावर्ड बाय वारी को स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज अनंतिया रिजॉर्ट अवर इवेंट पार्टनर। अगली गेंद
एक और डॉट बॉल, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। क्रिकेट में आपको दोनों छोरों को बदलना बदस्तूर जारी रखना होता है। बहुत बेसिक है ये क्रिकेट का। आप अगर बदल सकते हैं स्ट्राइक्स, तभी बदलता है फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ बॉलर। ये है क्रिकेट का मुख्य हिस्सा। अगली गेंद पीयूष के सामना करेंगे बल्लेबाज। अच्छा कैच अंडर द लाइट्स, अच्छा कैच। क्लासिकल कवर ड्राइव्स, चार रन कवर्स पर। ये है उत्सव साड़ी, चार रन बाय रितेश जैन जी, क्षमा करिएगा राहुल जैन जी, है ना। अगले बल्लेबाज राहुल जैन जी, जाने जाते राहुल कुलछा जी, ऐसे ही स्ट्रोक्स और ऐसे ही जगह से टीम को जिताने के लिए आज कुछ आतिशी शॉट्स लगाने होंगे। अच्छी गेंद पीयूष के डॉट बॉल से के साथ इस ओवर की करेंगे समाप्ति। ओवर नंबर 7 इसी के साथ समाप्त होता है। रितेश मोबाइल ने अब तक बनाए हैं 72/5। तो दर्शकों, 3 ओवरों में जीतने के लिए चाहिए 91 रन, मतलब हर गेंद पे आपको चाहिए बड़ा शॉट। तो यहां से अब रितेश मोबाइल लगभग, जी हाँ, संभव तो खैर सब कुछ है, असंभव कुछ भी नहीं हम कहते हैं, पर अब यहां से इनकी जीत के चांसेस बहुत कम, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि जीत के चांसेस है बहुत कम। चैन सुपर लीग, हर खिलाड़ी हर मैच में दम, इसलिए हमारे पास अभी भी है दर्शक, जो भले ही कुछ संख्या में है पर है। जी हाँ, ऐसे देव दुर्लभ दर्शकों का दिल से स्वागत, फिर से स्वागत। देख रहे हैं आप चैन सुपर लीग, लेकर आए आप तक आशीष एनेक्स, पावर्ड बाय वारी, को स्पॉन्सर बाय एक्वा विलेज, इवेंट पार्टनर अनंत्या रिजॉर्ट, इवेंट मैनेज बाय दिव्यांश अग्रवाल, द आर्ट ऑफ डेकोर। ऋषभ जी की गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। ये है उत्सव साड़ी, 6 रन ओवर द मिड ऑन। तो 1-6 तो आ चुका है, पर हर गेंद पार कर पाना संभव नहीं। Ah, true speed, nice running between the wickets, one run scored. So, अब तो ये मैच लगभग श्रद्धा निरसा हो गया है। बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं यहाँ हर मैच को सजाएं, हर मैच को बनाएं, जिससे दर्शक यहाँ आए। इत्मीनान से सेफ हैंड्स प्राप्त करेंगे कप्तान का विकेट, एक और विकेट का पतन। तो अब तो इस पहाड़ के स्कोर के आगे ताश की तरह डहते रितेश मोबाइल के बल्लेबाज। 80 पर एक और खिलाड़ी का पतन, 6 विकेट का पतन। एक गाना एंजॉय कर लीजिए अब आप।
भाई जो दर्शक जा रहे हैं बड़ी संख्या में, कल आइएगा 4 बजे ठीक समय से, हम मैच प्रारंभ कर देंगे कल 3:30 बजे, है ना? ठीक है, आज का मैच थोड़ा नीरस हो गया वाला, कोई बात नहीं। गेंद हवा में, नीचे है फील्डर आशीष जैन जी, छोड़ते नहीं है वो, 100 में 100 बार ऐसे कैच पकड़ लेंगे। तो 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट आ सकते हैं, क्या अगली गेंद पर आएगा विकेट, तो ये बनेगा पहला हैट्रिक। और चाहेंगे दर्शकों को हैट्रिक विकेट में आशीष एनएक्स और आशीष मेटल स्टोर्स की ओर से 5100 का इनाम है आज, ध्यान रखेंगे ऋषभ भैया, 5100 का उपहार आपको मिल सकता है, बस आपको निकालना है अगली गेंद पर विकेट। तो नजरे 22 गज की पट्टिका पर, क्योंकि नाटा जी जो है वो है ऑन स्ट्राइक, अटैकिंग फील्ड्स बिल्कुल सेटअप बिल्कुल लगा दिया है यहाँ पर वीआर ज्वेलर्स के कप्तानों ने। पारी का 8वां ओवर होता है समाप्त, तो रन बने 80 विकेट गिरे हैं 7-12 पर 83 की थी बात, जो लगभग असंभव और असामान्य। जी हाँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की डिमांड पर सब कुछ संभव, असंभव कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं तो सादा से ईश्वर साहू जीत जाते हैं, और आप चाहते हैं तो राजनांदगांव से प्रवेश भैया को भी बॉलिंग मिलती है। अब प्रवेश जी चोपड़ा कर रहे हैं प्रवेश गेंदबाजी के खेल में, सामने राहुल जैन जी। चैन सुपर लीग सब कुछ सुपर चलता हुआ हमारे टूर्नामेंट में, रन बता देंगे भैया कितने हुए इसमें, मेरा भी ध्यान वहां चला गया पारक जी की शानदार फील्डिंग में, चलता हुआ है मैच। जी हां, आप भी एंटरटेनमेंट तो आपको मिलेगा ही। जी हां, ये राहुल गोलचंदी का शानदार शॉट, ये है उत्सव सारी चैन, शानदार बिल्कुल पुल ऑफ कर दिया गेंद को, प्राप्त किया चैन। कॉटन बॉल, क्या बात है, करते ही बॉलिंग पे प्रवेश, बड़ी मछली को फंसा लिया प्रवेश, प्राप्त किया। कर चिड़िया भेज सकते हैं बाहर, गौरव गिड़िया क्या देखने वाली बात, आते ही पहली गेंद को पहुंचा दिया फील्डर्स के हाथों पे, और 90 पे होते हैं अब पूरा रितेश मोबाइल का कुनबा। ये तो देखिए हैट्रिक विकेट हुआ है आज
6 विकेट 8 मेडल्स जॉय।